हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू जल्द ही पुलिस प्रमुख की कुर्सी छोड़ सकते हैं। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अर्जी नई दिल्ली पहुंच चुकी है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को उनके नियुक्ति पर फैसला लेना है। कुंडू के बाद अब एसपी नेगी का डीजीपी बनना लगभग तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की फाइल पर कुछ दिन पहले ही हस्ताक्षर किए थे। कुंडू की हाल ही में डीजी पद के लिए केंद्र में इम्प्लीमेंट हुई है, तो अब उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी इसी पद के समकक्ष नियुक्ति मिलेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू जल्द ही पुलिस प्रमुख की कुर्सी छोड़ सकते हैं। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अर्जी नई दिल्ली पहुंच चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को उनकी नियुक्ति पर फैसला लेना है। कुंडू के बाद अब एसपी नेगी का डीजीपी बनना लगभग तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की फाइल पर कुछ दिन पहले ही हस्ताक्षर किए थे। कुंडू की हाल ही में डीजी पद के लिए केंद्र में अभी नियुक्ति के लिए बात चल रही है, तो वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी इस पद के समकक्ष नियुक्ति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू जल्द ही पुलिस प्रमुख की कुर्सी छोड़ सकते हैं। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अर्जी नई दिल्ली पहुँच चुकी है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को उनकी नियुक्ति पर फैसला लेना है। कुंडू के बाद एसबी नेगी का डीजीपी बनना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की फाइल पर कुछ दिन पहले ही हस्ताक्षर किए थे। अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर इसी पद के समकक्ष उन्हें नियुक्ति मिल जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू जल्द ही पुलिस प्रमुख की कुर्सी छोड़ सकते हैं। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अर्जी नई दिल्ली पहुंच चुकी है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को उनकी नियुक्ति पर फैसला लेना है। कुंडू के बाद एसबी नेगी का डीजीपी बनना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की फाइल पर कुछ दिन पहले ही हस्ताक्षर किए थे। ये जानकारी मिल रही है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू जल्द ही पुलिस प्रमुख की कुर्सी छोड़ सकते हैं। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अर्जी नई दिल्ली पहुंच चुकी है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को उनकी नियुक्ति पर फैसला लेना है। कुंडू के बाद एसबी नेगी का डीजीपी बनना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की फाइल पर कुछ दिन पहले ही हस्ताक्षर किए थे। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू जल्द ही पुलिस प्रमुख की कुर्सी छोड़ सकते हैं। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अर्जी नई दिल्ली पहुंच चुकी है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को उनकी नियुक्ति पर फैसला लेना है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। टीना जी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू जल्द ही अपना पद छोड़ सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, उनकी जो प्रतिनियुक्ति की जो फाइल थी उस पर उनके हस्ताक्षर हुए हैं, दिल्ली भेजी गई है। हालांकि सारी की सारी जो इनकी नियुक्ति रहेगी वो केंद्रीय मंत्रालय पे डिपेंड करेगा कि वो उन्हें बुलाते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले दिनों जब कुछ मंथ पहले जो केंद्र में डीजी नार्कोटिक्स का जो पद खाली हुआ था, तब भी उन्होंने काफी कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उनका वो नहीं हो पाया था। क्योंकि आपको बताएं कि इसमें जो संजय कुंडू है उनका जो वर्तमान जो सेवानिवृत्ति की जो उनका कार्यकाल है वो अगले जून 2023 में उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में जो प्रतिनियुक्ति वगैरह वो जाएंगे तो काफी कम कार्यकाल बचेगा उनके पास। तो माना जाता है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति 2 साल की होती है कम से कम, और ऐसे में जो ये पोस्ट है कार्यकाल कम से कम आपका 2 साल का होना चाहिए। ऐसे में संशय हालांकि बना हुआ है, फिर भी अगर वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जाते तो उनकी जगह जो 1990 बैच के किन्नौर के हैं, हिमाचल से संबंध रखते हैं आईपीएस श्याम भगत नेगी, उनको डीजी बनाया जा सकता है। पहले भी संजय कुंडू से पहले उनका नाम चला था, तो अभी जो उनकी नियुक्ति फिलहाल तय मानी जा रही है। हालांकि जो श्याम भगत नेगी है वो भी अभी फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे दिल्ली में प्रतिनियुक्त है।
जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एसबी नेगी जिनका नाम लगातार सामने आ रहा है, अभी फिलहाल वो जैसा आपने बताया कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में है, उसके अलावा उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है, किस तरह का उनका व्यवहार रहा है और हिमाचल प्रदेश में किस तरह की उनकी छवि रही है? जी बिल्कुल, जो श्याम भगत नेगी है, मैंने पहले भी बताया 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और काफी अच्छा उनका व्यवहार है। काफी समय से उनके जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे वे चल रहे हैं, इस वक्त तो कैबिनेट सचिव के पोस्ट पर, वहां पर कैबिनेट सचिव सचिवालय में कार्यरत है और उनको जो माना जाता है कि उनकी जो सीनियोरिटी है वो सबसे अभी जो अधिकारी है उन्हीं की है। हालांकि उनसे पहले एक वरिष्ठ अधिकारी है संजीव रंजन ओझा, उनका भी नाम चल रहा था, लेकिन अभी जो माना जा रहा है कि उनका जो श्याम भगत नेगी है वो काफी सुलझे हुए व्यक्तित्व के हैं और उनका जो कार्यकाल है वो काफी अच्छा माना जाता है और हिमाचल के जो किन्नौर जिले से वो संबंध रखते हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी अगर डीजीपी संजय कुंडू प्रतिनियुक्ति पे दिल्ली जाते तो उनकी जो नियुक्ति है डीजी पद पर हिमाचल के वो उसका जो उसको निश्चित माना जा रहा है और ऐसे में जो दिल्ली से सरकार उनको वापस हिमाचल बुला सकती है। जी शुक्रिया टीना जी आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू जल्द ही पुलिस प्रमुख की कुर्सी छोड़ सकते हैं।